गुड मॉर्निंग। आज है प्रश्न नंबर 4। 4 में आकृति दी हुई है, क्या है चौथा प्रश्न है? चौथा प्रश्न है, निम्न आकृतियों में अज्ञात कोण WXYZ के मान ज्ञात कीजिए। पहली आकृति है, यह कोण 130 डिग्री, यह दे रखा है 50 डिग्री, यह कोण 120। अब देखो, ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ये कोण है अपना x। अब इन तीनों को जोड़ें और 360 से घटा दें तो अपने पास x का मान आ जाएगा। जोड़ दो, 50 प्लस 130 प्लस 120 कितने मेरे 0, 2, 5, 5-10 की बिंदु असल की है, 1-1, 2-2, 300 मेरा तो कोण x इक्वल 360 माइनस 300 बराबर कितने डिग्री? 60 डिग्री। ये इसके कारण, तो कोण x का मान क्या आया? 60 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी आकृति है, ऐसे ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, कोण x का अपने को मान निकालो। देखो ये कोण 90 है, जब ये कोण 90 है तो ये कोण भी कितना होगा? 90। क्यों? एक सरलरेखा के एक ही दिशा में बने हुए दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये कोण अपने को समकोण दे दिया, ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90 है। भाई ये 90 डिग्री है, समकोण है, तो ये कोण भी होगा समकोण। अब इन तीनों को जोड़ो, 90 प्लस 70 प्लस 60 07 से 13
तेरह नौ बाईस, 360 में से घटाओ, जीरो चार तो कोण एक्स का मान कितना आया 140 डिग्री। क्यों? ये जब मैं समकोण दे रखा है तो ये भी कितना होगा समकोण, यानी आसन कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। ठीक है, तीसरी आकृति अपने को याद है।
देखो ये दोनों क्या है, आसन कोण है। इस तरह से जो कोण बनते हैं वो कोण कैसे होते हैं, आसन कोण। उनका योग होता है दो समकोण यानी 180 डिग्री। तो जब इनमें से एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा कोण दोनों का योग 180 है, 180 में से 30 गए 150, तो जड़ कोण कितने का आया 150। ये कोण ये कोण दोनों आसन कोण है, ये 90 है तो 180, ये कोण कितना होगा 180 माइनस 90 कितने डिग्री 90। अब 90 और 30 कितने 120, 120 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इनमें से इन दोनों को जोड़ दो 180 में से घटा दो तो ये कोण आ जाएगा, ये कितना हुआ इन दोनों का योग 120, तो कितने डिग्री बचे 60 डिग्री। ये हो गया कोण, हो गया 60 डिग्री का। तो ये दोनों आसन्न कोण है, ये 60 तो ये कितने का 180 में से 60 गए 120। इस तरह से अपन ने एक्स वाई जेड का मान याद कर लिया, ठीक है। अब पांचवा, ये तो डब्लू, ये कोण दे रखा है 120, ये कोण एक्स अपने को ज्ञात करना, ये कोण दे रखा है 180 डिग्री, ये कोण वाई अपने को ज्ञात करना, ये कोण 60, ये कोण जेड अपने को ज्ञात करना, ठीक है। अब ये 120 है ये कितने का होगा, अभी बताया था मैंने, ये दोनों आसन कोण है, आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये कितने का हो गया 60। ये और ये आसन कोण है ये 80, तो ये कितने का बच गया 60, क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री होता है। दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब ये 60 तो ये कितने का बचा 120। एक्स वाई जेड के मान आ गए, अब अपने को डब्लू का मान ज्ञात करना, किसी भी अंतर्भूत कोण के बराबर उसका ये बहिष्कोण होता है ना। Yeah.
से अपन विभिन्न आकृतियों के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब है सम और उसके भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, है ना। प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना है? 45 डिग्री, है ना। आगे वाला प्रश्न है 5।
इस तरीके से दिखा रहे हैं ना, इस तरह से इन प्रश्नों को कर लेना।